moving average method. Okay, today I have same method, moving average method, but regarding even number. Okay, last हमने odd number का complete किया था, जिसमें 3 years and 5 years का हमने find out किया. And today we I have about 4 year. 4 year it means even number. अब even number है तो उसका कैसे find out करना है, उसके regarding ये sum है जिसको solve हम करेंगे और उसका method find out करेंगे. Okay, sum is what? Find trend for the following time series by selecting 4 yearly period of moving average. Okay, 4 yearly it means even number. Even number के regarding आपको find out करना है. So see here, first one is जो last हमने sum में किया था वैसे ही, month, then sales, like में given है, then T, okay, T जो T आपको पता है हम कैसे T find out करते हैं, जो भी sales given है, month given है, month को March first month, April second month, May third month, और अगर year given होता तो 1995 अगर होता तो first year, 1996 second, ओके ऐसे करके हम जो भी यहाँ पे सीरीज गिवन है उसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके उसको टाइम के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं. देन थर्ड फोर्थ कॉलम इज 4 monthly मूविंग टोटल. लास्ट हम यहाँ पे क्या लिखते थे, 3 moving average मेथड. ओके, बट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 monthly मूविंग टोटल. यहाँ पे हमें टोटल करना है और ये एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो रहा है पेयर वाइज टोटल, क्योंकि यहाँ पे कोई मिडल हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि लास्ट समय 3 और 5 इयर्स का था, तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर 3 इयर्स का फाइंड आउट करना है या 3 मंथ या 3 वीक का फाइंड आउट करना है तो सेकंड है वो उसका मिडल है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. और अगर 5 इयर्स का है तो थर्ड उसका मिडल है, बट अगर 4 इयर्स का है तो उसको मिडल हम कैसे कंसिडर करें, 2 को कंसिडर करें या 3 को कंसिडर करें. ओके, तो इसलिए उसमें पेयर वाइज हमें उसको प्लस करना है. सो पेयर वाइज टोटल एंड लास्ट वन इज 4 month moving average. पहले हमने टोटल किया, pairwise टोटल किया और लास्ट में उसका एवरेज फाइंड आउट किया. ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं. सी, आपको पता है कि लास्ट हमने 3 इयर्स का कंप्लीट किया, तो कैसे किया था हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड और उसका मिडल सेकंड था, तो यहाँ पे हम वैल्यूज लिखते थे. बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 है, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये 4 का हमें क्या करना है, पहले तो प्लस करना है. जैसे हमने लास्ट मेथड में किया था वैसे ही ये स्टेप वैसे ही फॉलो करना है. तो बट याद रखना, जब भी आप ये सम नोटबुक में प्रिपेयर करो तो जितने मंथ जितने ईयर का आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उसके डबल लाइन का आपको ये टेबल प्रिपेयर करना है. जैसे ये 10 मंथ का है तो आपको क्या करना है, 10 मंथ का है तो आपको क्या प्रिपेयर करना है, उसमें 20 लाइन प्रिपेयर करना है, मतलब एक एक लाइन मिडल में छोड़ देना उसका मिडल लिखने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोर्ड पे लाइन नहीं है बट मिडल में देखो मैंने स्पेस यहाँ पे रखा हुआ है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ टोटल फर्स्ट 4, 5, +3, +7, +6, ठीक है, तो उसका टोटल 21. बट आपको कहाँ लिखना है, 4 का मिडल क्या होगा, 2 और 3 के बिटवीन, इसलिए 2 और 3 के बिटवीन मैंने एक लाइन यहाँ पे रखा है और उसमें आपको उसकी वैल्यूज लिखनी है. ओके, 2 के सामने नहीं लिखना, और फर्स्ट और सेकंड के मिडल में डैश, देन सेकंड और थर्ड के मिडल में इसकी वैल्यू टोटल सेम. अब 5 को रिमूव करो और 7 को एंटर, 4 को एंटर करो. सो 3 + 7 + 6 + 4 हम ऐसा करते थे यार आपको, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने टोटल ऑलरेडी इसका किया हुआ है तो 5 को रिमूव करना है. सो 21 - 5 और नया क्या ऐड करना है, 4. ओके, नया क्या ऐड करना है हमें, 4, तो यहाँ पे लिख दो 4. ओके, सो आंसर इज 20. देन थर्ड को रिमूव करो और 8 को प्लस करो. सो यहाँ पे टोटल क्या आया, 20. सो 20 - 3 + 8, सो 25. देन 7 को रिमूव करो और 9 को ऐड करो. सो 25 - 7 + 9 = 27. ऐसे करके हमें क्या करना है, रिमूव करते जाना है और लास्ट में ये 9 हमें कंसिडर ही नहीं करना है, तो 9 और 10 के बीच में आपको डैश. ओके, दिस
वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. अब आपको क्या करना है, आपने फर्स्ट फोर, देन सेकंड फोर, थर्ड फोर, ऐसे करके आपने टोटल कर दिया. अब क्या करना है, पेयर वाइज टोटल. इट मीन्स ये जो टोटल है स्टार्टिंग के फोर का है, और ये जो टोटल है वो सेकंड टू फिफ्थ यानी नेक्स्ट फोर का टोटल है. ठीक है, तो इस दोनों टोटल का या फिर दोनों का टोटल आपको लिखना है. सो 21 प्लस 20 सो 41, देन 20 प्लस 25 सो 45, 25 प्लस 27 सो 52, 27 प्लस 31 सो 58, 31 प्लस 35 सो 66, 35 प्लस 36 सो 71. ठीक है, यहाँ पे आपका 5 जो है मार्च, उसके सामने डैश, अप्रैल के सामने डैश, और लास्ट भी दो आपको पता है वो डैश, उसमें भी कोई वैल्यूज नहीं आएगी क्योंकि हमें 4 चाहिए, यहाँ पे लास्ट में 3 रहता है. ठीक है, ओके. लास्ट जो हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आपने 41 फाइंड आउट किया, जो ये आपने 41 फाइंड आउट किया, अब देखो ये फोर है वैल्यूज, और ये फोर है, टोटल कितने हो गए 8. ठीक है, इससे यहाँ पे होगा डिवाइडेड बाई 8, सो आंसर इज 5.13. यहाँ पे 4 मत करना, क्यों, क्योंकि ये 4 है प्लस ये 4 है, ये दोनों को प्लस करके हमने पेयर वाइज टोटल फाइंड आउट किया है. सिंपली 21 का अगर होता तो हम डिवाइडेड बाई 4 करते, बट यहाँ पे दोनों पेयर का टोटल है सो डिवाइडेड बाई 8. सेम 45 डिवाइडेड बाई 8 सो 5.63, 52 डिवाइडेड बाई 8 सो 6.5, 58 डिवाइडेड बाई 8 सो 7.25, 66 डिवाइडेड बाई 8 सो 8.25, एंड 71 डिवाइडेड बाई 8 सो 8.88. ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट आपने जो फिफ्थ 5 मंथ और 3 मंथ का किया था, सेम वही मेथड अप्लाई करना है, बट याद रखना है इसमें एक्स्ट्रा लाइन आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि ये जो मिडल हम लिख रहे हैं वो ना सेकंड के कॉलम में लिख रहे हैं और ना थर्ड के रो में लिख रहे हैं. ठीक है, हम कहाँ लिख रहे हैं, दोनों के बिटवीन लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप लाइन एक एक्स्ट्रा रखोगे तो ही आप आंसर लिख पाओगे. और उसके बाद नेक्स्ट मेथड है कि जो पैर आपने ये जो टोटल किया है वो, और नेक्स्ट टोटल मतलब ये 4 और ये 4, उन दोनों का टोटल करना है, और उसके बाद उसको डिवाइडेड बाई 8. अब योर आंसर इज कम्प्लीटेड. ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. बाय एंड हैव अ नाइस डे.